-3 iota mod of z minus 3 iota is less than or equal to 4 less than or equal to 4 then find the maximum and minimum values of मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा पहले समझो इसको ज्योमेट्रिकली क्या बोला जा रहा है मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा लेस इक्वल टू फोर तो इसका मतलब है अगर इक्वल टू फोर लेंगे तो जेड एक सर्कल पे जिसका सेंटर थ्री आयोटा है, रेडियस फोर है। और लेस देन लेंगे तो सर्कल के अंदर है यानी दोनों मिलाकर अगर देखें तो जेड सर्कल पर होगा या सर्कल के अंदर होगा कौन सा सर्कल जिसका सेंटर थ्री आयोटा पे थ्री आयोटा का मतलब जीरो कॉमा थ्री और रेडियस फोर है तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर लिया जीरो थ्री पे और रेडियस लिया फोर ये मान लो हमारे एक सर्कल है इस सर्कल का जो सेंटर है ये जीरो कॉमा थ्री पे है से दिस इज द सेंटर सी रेडियस फोर है जेड इस सर्कल पर हो सकता है या सर्कल के अंदर हो सकता है बाहर नहीं जाएगा अंदर है या सर्कल पे ना हमें क्या चाहिए मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री चाहिए मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस माइनस थ्री और यह है एक्चुअल में दिस इज डिस्टेंस बिटवीन माइनस थ्री एंड जेड यानी थ्री का डिस्टेंस Z से देखना है आपको माइनस थ्री का मतलब हो गया माइनस थ्री कॉम तो है पॉइंट सपोज हमारा P है माइनस थ्री सपोज माइनस थ्री कॉम इसलिए आप चेक करके देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है क्योंकि अगर आप PC डिस्टेंस निकालोगे तो ये थ्री रूट टू आएगा और थ्री रूट टू फोर से बड़ा है थोड़ा सा थ्री रूट टू की वैल्यू फोर पॉइंट समथिंग होगी तो फोर से घूम रहा है या सर्कल के अंदर घूम रहा है तो आपको देखना है कि Z का डिस्टेंस P से 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 कम कम क्या हो और क्या होगा होगा और ज्यादा ज्यादा तो फिर वही काम किया P से हमने इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दिया जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम देखना हो तो डायमीटर ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से तो नियरेस्ट वाला पॉइंट ये होगा ए और फार्देस्ट वाला पॉइंट ये होगा पी तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो पी ए होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो पीबी होगा इसलिए मिनिमम वैल्यू हो गई जो हमें फाइंड करना था उसकी मिनिमम वैल्यू ये पी ए है और पी ए आप चेक करके देखो तो यह आएगा थ्री रूट टू माइनस फोर कैसे निकाला पीसी डिस्टेंस थ्री रूट टू है पी का सी से डिस्टेंस उसमें से रेडियस माइनस कर दो तो पीसी में से ए सी माइनस कर दो तो पी ए हो गया और मैक्सिमम जो होगा ये पी पीबी होगा और पी पीबी होगा थ्री रूट टू प्लस फोर तो मिनिमम है थ्री रूट टू माइनस फोर मैक्सिमम है थ्री रूट टू प्लस फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इफ मॉड ऑफ z minus Mod of z minus six minus eight iota. If mod of z z minus six minus eight iota is equal to five, then find the complex number. z having the least possible modulus having the least possible modulus सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं mod of z minus 6 8 iota 5 है ये गिवन है तो आपको वो जेड चाहिए जिसका मॉडल सबसे कम होगा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या है मॉडल्स की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन सा नंबर होगा जेड जिसका मॉडल सबसे कम होगा तो आपको जेड फाइंड करना है कौन सा z जिसका मॉडलस सबसे कम है करोगे ये तो आप देख पा रहे हैं कि यह है मॉड ऑफ जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा फाइव यानी एक्स जेड एक सर्कल पे जिसका सेंटर सिक्स कॉमा एट है रेडियस फाइव है तो पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो इस सर्कल का जो सेंटर आ रहा है ये सिक्स कॉमा एट है रेडियस फाइव है Z तो इसी सर्कल पे घूम रहा है अब आपको वो Z चाहिए जिसका मॉडलर सबसे कम है मतलब वो Z चाहिए जो ओरिजिन के नियरेस्ट होगा मान लो यहां ओरिजिन है ऐसे ऐसा है तो ओरिजिन के नियरेस्ट देखना है, तो आपने ओरिजिन से इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो डायमीटर है ए बी तो नियरेस्ट वाला सर्कल पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें नियरेस्ट पॉइंट जो होगा ओरिजिन के वो ए होगा तो आपको पॉइंट ए फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉइंट है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंपली आपको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि ए के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे क्लियर है बात ये नौ ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो अगर मैं पहले ओ सी डिस्टेंस फाइंड करूं देख रहा हूँ ओसी डिस्टेंस टेन है OC 10 है और रेडियस फाइव है सर्कल का ए सी फाइव है तो OA distance जो आ जाएगा ये भी 5 आ जाएगा तो डिस्टेंस तो पता लग गया कि पॉइंट ए ओरिजिन से फाइव डिस्टेंस पे होगा बट ये कौन सा पॉइंट होगा हमें पॉइंट चाहिए तो सपोज ये वाला एंगल थीटा है. तो अगर आप ओ सी का स्लोप चेक करो

तो खत्म हो गया बात जो पॉइंट ए है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइव है यानी इसका इसका है और आर्गुमेंट थीटा है जिसमें साइन थीटा, थीटा की वैल्यू थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव है तो किसी भी पॉइंट को जब आप पोलर फॉर्म में लिखते हो ध्यान से सुनिएगा z को पोलर फॉर्म में यही तो लिखते हो आर कॉस्टा प्लस आयोटा साइन थीटा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होता है आर साइन थीटा तो किसी भी पॉइंट को जब पोलर फॉर्म में लिखोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा बोलो क्लियर है और वैसे भी अगर कोऑर्डिनेट से भी जाओ कोऑर्डिनेट में भी आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था लाइन का कि अगर आपको x1 y1 से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना हो तो हम पॉइंट लिखते हैं अगर 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 ऊपर की तरफ लेना हो, तो वन प्लस थीटा, वन प्लस थीटा। दे? तो डिस्ट तो x1 r r याद है? देखो से से हमें ये आ पे चाहिए थीटा एंगल पे तो क्या लिखेंगे जीरो प्लस आर कॉस थीटा जीरो प्लस आर साइन थीटा तो पॉइंट ए हो जाएगा सिंपली आर कॉस थीटा आर साइन थीटा और आर हमारा यहां पे कितना है आर हमारा यहाँ पे फाइव है ओ ए फाइव है ठीक है थीटा साइन थीटा हम निकाल ही चुके हैं थीटा साइन थीटा थ्री बाई तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हो गया आर थीटा आर इस फाइव, थीटा इस थ्री फिर आर इस फाइव, थीटा इज 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 फिर तो एक्चुअली जो पॉइंट ए है वो थ्री कॉमा फोर है थ्री कॉमा फोर का मतलब ये थ्री प्लस फोर आयोटा तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द लीस्ट मॉडुलस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यह सीधा भी याद रखो कि अगर z कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई तो इसको कार्टिजियन फॉर्म में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई और इसी को अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा जो कि पोलर फॉर्म में लिखते हैं आर थीटा प्लस आयोटा ये लिखते हैं ना आर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं जिसमें आर क्या है जेड का मॉडल है थीटा क्या है जेड का आगुमेंट है क्लियर बोलो ठीक है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे इफ मॉड जेड वन मॉट जेड वन Is equal to thirteen and mod Z two minus one plus two iota. इज़ इक्वल टू थ्री चलो थोड़ा सिंपल ही कर देता हूं आपके लिए मॉट जेड टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा इज इक्वल टू टू मॉट जेड वन इज थर्टीन एंड मॉट जेड टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा इज इक्वल टू टू देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ of mod वन माइनस जेड टू मॉट जेड वन माइनस जेड टू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है देखो मॉड जेड वन इज इक्वल टू थर्टीन का मतलब है जेड वन एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन है रेडियस थर्टीन नो जो दूसरा है मॉड ऑफ जेड माइनस इसको ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा तो z2 भी एक सर्कल पे जिसका सेंटर 3, -4 पे फोर्थ क्वाड्रेंट में सेंटर है इसका रेडियस 2 है तो हमारे पास दो सर्कल है एक तो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे रेडियस 13 है तो ये एक मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन पे रेडियस 13 है इसका सेंटर ओरिजिन है रेडियस थर्टीन और इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर थ्री कॉमा माइनस फोर पे फोर्थ क्वाड्रेंट में और रेडियस इसका टू है ये मान लो एक छोटा सर्कल है सर्क। ठीक इस सर्कल का जो सेंटर है सी ये थ्री कॉमा माइनस फोर पे और रेडियस टू है तो इसका सेंटर हो गया थ्री कॉमा तो रेडियस कम कम और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा तो आप क्या करें कि इनका एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दें मतलब कॉमन डायमीटर ड्रॉ कर दें जो दोनों का डायमीटर है ऐसे तो आप दोनों सर्कल का एक कॉमन डायमीटर ड्रॉ कर क्लियर है यह हो गया ये इसका सेंटर। जो कॉमन डायमीटर है वो बड़े वाले सर्कल को मान लो ए और बी पे कट कर रहा है और छोटे वाले सर्कल को से पी और क्यू पे कट कर रहा है।, है, है तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू जेड वन और जेड टू के बीच का जो डिस्टेंस मिनिमम होगा वो ऑब्वियसली ए पी होगा ये यह डिस्टेंस यही इनके बीच का कम से कम डिस्टेंस हो सकता है बोलो क्लियर है यहीं होंगे जब एपी और एपी कैसे निकलेगा तो एपी निकलेगा देख लो पहले तो आप यह देख लो कि जो ओसी जो ओसी डिस्टेंस है यह 5 है 5 है डिस्टेंस और जो ओ ए डिस्टेंस है वो बड़े वाले का रेडियस है थर्टीन है ठीक और छोटे वाले का रेडियस टू है ए एपी हम कैसे निकालेंगे तो देखो पी निकालना हो तो बड़ा वाला जो ओ ए है उसमें से माइनस हो जाएगा क्या उसमें से माइनस हो जाएगा ओ सी प्लस सीपी बोलो क्लियर है ओपी माइनस हो जाएगा ओ सी प्लस सीपी तो ये कितना हो गया बड़े वाले का ओ ए हो गया रेडियस थर्टीन OC फाइव और CP छोटे वाले का रेडियस टू थर्टीन माइनस सेवन जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो सिक्स होगा क्लियर है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मिनिमम सिक्स रहेगा और मैक्सिमम क्या होगा मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मैक्सिमम जो होगा वो होगा बीपी जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रहेंगे पी उधर रहेगा और बी इधर रहेगा बोलो क्लियर है तो मैक्सिमम बनेगा बीपी और बीपी कैसे लिख सकते हैं तो बीपी हम लिख सकते हैं ओपी प्लस ओ बी बोलो क्लियर है ओपी प्लस ओबी और ओबी कितना हो गया बड़े वाले ओपी हो गया ओपी कितना हो जाएगा देख लो ओ सी है फाइव और उसमें सीपी टू तो ओपी हो गया सेवन क्लियर और इधर ओबी हो गया थर्टीन तो मैक्सिमम जो होगा ये ट्वेंटी हो तो मिनिमम सिक्स है मैक्सिमम ट्वेंटी है चेक कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन को इफ मॉड ऑफ Z minus 25 iota less than or equal to 15. Mod of Z minus 25 iota is less than or equal to 15. Then find the complex number Z having the least positive argument. Having the least पॉजिटिव आर्गुमेंट अगर मॉड ऑफ जेड माइनस ट्वेंटी आयोटा लेस देन और इक्वल टू 15 है तो आपको वो जेड चाहिए जिसका आर्गुमेंट सबसे कम होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका आर्गुमेंट सबसे कम है कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए आपको लीस्ट आर्गुमेंट मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट देखो ये तो आप इतना कर ही पाए पाएंगे कि z माइनस ट्वेंटी फाइव आयोटा का मॉड फिफ्टीन या उससे कम है तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं जिसका सेंटर ट्वेंटी फाइव आयोटा पे ट्वेंटी फाइव आयोटा मीन जीरो का ट्वेंटी फाइव एंड रेडियस 15 है तो z जो है ये इस सर्कल के अंदर होगा या सर्कल पे होगा तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया पहले इस सर्कल का जो सेंटर है ये जीरो कॉम है ट्वेंटी फाइव है और रेडियस फिफ्टीन है तो ये मान लो हमारा सर्कल है सर्कल का जो सेंटर आ रहा है सी जीरो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका आगुमेंट सबसे कम है मतलब वो पॉइंट चाहिए इस सर्कल पर या सर्कल के अंदर जिसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो x एक्सिस के साथ कम सबसे कम एंगल बनेगा तो सबसे कम एंगल बनेगा अगर मैं इस पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट ड्रा कर दूं यानी ओरिजिन से अगर आप सर्कल का टेंजेंट ड्रा कर दोगे तभी सबसे कम एंगल बनेगा बोलो क्लियर है बाकी सभी पॉइंट के लिए एंगल इससे बड़ा हो जाएगा तो ये थीटा एंगल है सपोज और ये पॉइंट सपोज p है यही p पॉइंट हमें फाइंड करना है इज द Point the the least को आप ऐसे लिख सकते r cos theta, r sin theta. अगर उसका मॉडल R है और आर्गुमेंट थीटा है बोलो क्लियर है तो पी पॉइंट होगा r cos थीटा, r साइन थीटा समझ में आ रही बात अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सीपी को तो यहां राइट एंगल बनेगा और सीपी क्या है रेडियस है इस सर्कल का जो ऑब्वियसली फिफ्टीन है बोलो क्लियर ओ सी ऑब्वियसली ट्वेंटी फाइव है ये डिस्टेंस तब तो पाइथागोरस से ओपी निकाल के देखो तो 20 आएगा तो ये जो ओपी डिस्टेंस हो जाएगा ये 20 हो जाएगा बोलो क्लियर यानी आर ट्वेंटी हो गया जो आर थीटा आर साइन थीटा में हम आर लिखेंगे वो ट्वेंटी हो गया क्लियर पाइथरस है चूंकि ट्रायंगल है ना ये राइट ट्रायंगल है सिंपली तो राइट ट्रायंगल में हाइपर्टनीस ट्वेंटी फाइव था एक साइड फिफ्टीन था तो दूसरा साइड ट्वेंटी आ जाएगा अब रह गया थीटा साइन थीटा क्या होगा थीटा साइन थीटा कैसे निकलेगा देखो तो ये एंगल जो होगा यहाँ पे जिसको मैं मार्क कर रहा हूं अभी ये वाला एंगल नाइन्टी माइनस थीटा होगा बोलो क्लियर है चूंकि ये पूरा 90 है यहां पे, ठीक और जब ये 90 माइनस थीटा है एक एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा बन जाएगा ये थीटा होगा चेक कर लो ठीक और वो जब थीटा हो गया तो अगर आप राइट ट्राइंगल ओपीसी को देखो इन ट्राइंगल ओ ये एक राइट ट्रायंगल है जिसका हाइप 25 है और थीटा एंगल के लिए बेस बनेगा 15 परपेंडिकुलर बनेगा 20 तो देखो कॉस्थीटा फिफ्टीन बाई ट्वेंटी 25 और साइन थीटा आ जाएगा 20 बाई ट्वेंटी चेक कर लो राइट एंगल ओपीसी से अगर आप ओपीसी से थीटा लिखोगे तो 15 ओवर 25 फाइव साइन थीटा लिखोगे तो 20 ओवर 25 यानी यानी थीटा इज 3 ओवर एंड साइन थी राइट इस कॉस्थीटा साइन थीटा की वैल्यू को पी में लेकर रख दो तो पी कौन सा पॉइंट था पी पॉइंट था आर कॉस्टा आर साइन थीटा आर कॉस्टा आर साइन थीटा आर क्या हमारा? R आया हमारा आर आया ट्वेंटी कॉस्थीटा क्या आया थ्री बाई फाइव थ्री ट्वेंटी साइन थीटा फोर बाई फाइव तो एक्चुअली ये जो P पॉइंट आएगा ये ट्वेल्व कॉमस सिक्सटीन आएगा तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या हो गया आंसर आपका ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन आयोटा ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन कर दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर इज फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड अब करोगे इसे तो बड़ा ऑब्वियस था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स वाई रियल पार्ट ऑफ़ एक्स एक्चुअली क्या स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स माइनस वन क्या चीज है किस चीज की राइट ओपन right जिसका वर्ड एक्स है, जिस है अगर वाई स्क्वाज इक्वल टू फोर ए एक्स लेते तो फिर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन हो गया यानी वर्टेक्स वन कॉमा जीरो पे चला गया तो इसका जो वर्टेक्स है ये वन कॉमा जीरो पे वाई है और देखो फोर ए की जगह पे फोर है यानी ए वन है तो वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है तो वन है तो ये फोकस आएगा इसका टू कॉम जीरो पे बोलो क्लियर है और ये ओरिजिन है ऑब्वियसली वाई एक्सिस इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया जो कि वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस का होता है हो, उतना तो ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है तो वाई बोलो क्लियर है अब आपसे पूछा गया कि अगर Z इस पैरागोला पे घूम रहा है तो Z का आर्गुमेंट सबसे कम क्या होगा लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट सॉरी लीस्ट बोल दिया था मैंने लीस्ट बोल दिया था मैंने ग्रेटेस्ट लिखना था ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट नॉट लिस्ट। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा क्वेश्चन में चेंज करोगे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा तो देखो ग्रेटेस्ट वही होगा जो आप यहां से ओरिजिन से इस पे ठीक है ना सबसे ज्यादा एंगल तभी बनेगा जब आप यहां से ऐसे टेंजन ड्रॉ करेंगे तो यह जो पॉइंट पी होगा इसी का आर्गुमेंट सबसे ज्यादा होगा थीटा क्योंकि बाकी सारे केस में जैसे जैसे पी पॉइंट इस सर्कल पे घूमेगा आर्गुमेंट कम होता जाएगा नीचे आएगा या उधर जाएगा तो आर्गुमेंट सबसे कम हो रहे ऐसे देखो चलिए ये तो टच करके ऐसे चला जाएगा ना सिर्फ एक बार ऐसे सिर्फ एक बार ऐसे टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा ऐसे तो ये जो पी पॉइंट होगा इसके लिए सबसे मैक्सिमम एंगल थीटा बनेगा बाकी सभी पॉइंट के लिए एंगल और कम होता चला जाएगा बोलो क्लियर है है तो तो अगर Z इस पैराबोला पे घूम रहा है, तो सबसे कम आर्ग्यूमेंट सॉरी सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट तभी हो सकता है उस पॉइंट का मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होगा कौन से पॉइंट का जो ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का इतनी बात तो समझ में आ रही है फिर आपने पढ़ा था कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पैराबोला पे तो डायरेक्ट्रिक्स के हर एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो जैसे ओरिजिन से एक टेंजेंट ऊपर हो रहा तो एक टेंजेंट नीचे भी ड्रा होगा ऐसे और ये जो दोनों टेंजेंट होंगे ये परपेंडिकुलर होंगे राइट एंगल पे होंगे क्यों क्योंकि ये जो ओरिजिन है ये डायरेक्ट्रिक्स पे और डायरेक्ट्रिक्स का हर एक पॉइंट कोई भी पॉइंट आप डायरेक्ट्रिक्स पे चूज करो तो जो दो टेंजेंट होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे टोटल एंगल राइट एंगल और बड़ा ऑब्वियस है कि जितने एंगल पे ऊपर वाला टेंजेंट होगा उतने एंगल पे नीचे वाला भी टेंजेंट होगा मतलब कहने का कि ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है होगा नहीं तो सिमेट्री से ही दिख रहा है कि ये 45 होगा ये भी 45 होगा अगर पूरा एंगल 90 है तो क्लियर तो इसलिए मैक्सिमम जो हो सकता है आर्गूमेंट ऑफ जेड ये 45 डिग्री हो सकता है यानी पाई बाई फोर हो सकता है समझ में आ गई बात चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है पैराबोला मैंने कर दिया था पैराबोला का था ना तुम्हारा टेस्ट पैराबोला किया हुआ है करो लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे इफ जेड लाइज ऑन ए सर्कल इफ जेड लाइज ऑन ए सर्कल हैविंग सेंटर एट हैविंग सेंटर एट आयोटा and radius four and radius four then find then find the locus of the complex number two Z minus three बाई फोर सुन लो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे Z एक सर्कल पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर आयोटा रेडियस फोर है यानी Z कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मूव कर रहा है कौन से सर्कल पे जिसका सेंटर आयोटा है रेडियस फोर है और चूंकि Z वेरिएबल है तो फिर ये जो दूसरा नंबर मैंने लिखा टू जेड माइनस थ्री बाई फोर यह भी वेरिएबल होगा तो इसका लोकस क्या होगा ये कहा मूव कर रहा होगा ये बताने टू जेड माइनस थ्री बाई फोर क्लियर करोगे नहीं देखो जब क्या गिवन है आपको गिवन ये कि z एक सर्कल पे जिसका सेंटर आयोटा रेडियस फोर है यानी ये गिवन है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू फोर z का आयोटा से डिस्टेंस 4 है अब मुझसे पूछा गया कि इसका लोकस क्या है तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ से इसका z1 कर दिया मैंने इसको यानी मुझे z1 का लोकस फाइंड करना है z का लोकस तो पता है z1 का क्या लोकस होगा अब ऑब्वियसली मैं इसी कंडीशन को सिर्फ यूज कर सकता हूँ यही मुझे मालूम है तो इस कंडीशन को यूज करने के लिए इस वाले रिलेशन को भी इसी फॉर्म में लिखो यानी यहां से भी आप z माइनस आयोटा की वैल्यू निकालो तो देखो क्या क्रॉस कर देंगे तो 2z जेड माइनस थ्री ये फोर जेड वन बोलो क्लियर है तो यहां से z आ जाएगा फोर जेड वन प्लस थ्री बाई टू राइट तो यहां से z माइनस आयोटा हो जाएगा आयोटा सब ट्रैक कर दूंगा अगर तो फोर जेड वन प्लस थ्री बाई टू माइनस आयोटा क्यों मैं z माइनस आयोटा निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका मॉडल मालूम है अब अगर इसके दोनों साइड पे मॉड लगा दू तो लेफ्ट साइड का मॉडलस मुझे पता है क्या इसका मॉडल फोर बोलो क्लियर उधर क्या आ गया उधर आ गया हमारे पास मॉड फोर जेड वन प्लस थ्री माइनस टू आयोटा बाई टू टू को इधर क्रॉस कर दूं तो हो जाएगा मॉड फोर जेड वन प्लस थ्री माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू एट फोर से अगर पूरी को डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा जेड वन प्लस थ्री बाई फोर माइनस हाफ आयोटा टू क्लियर और अब मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दूं तो इसे मैं अरेंज करके अब लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड वन माइनस माइनस थ्री बाई फोर प्लस हाफ आयोटा यानी जो जेड वन है इसका डिस्टेंस माइनस थ्री बाई फोर प्लस हाफ आटा से टू है यानी जेड वन एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा इस सर्कल का सेंटर माइनस थ्री बाई फोर प्लस हाफ आयोटा होगा यानी माइनस थ्री बाई फोर कॉमा हाफ होगा और रेडियस टू हो बोलो क्लियर है तो देर फोर लोकस ऑफ जेड वन आंसर ये लिखोगे लोकस ऑफ जेड वन इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट सेंटर कहाँ पे आ रहा है इसका माइनस थ्री बाई फोर कॉमा हाफ पे एंड रेडियस टू आ रहा है बोलो समझ में आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जेड लाइज इफ जेड लाइज on a circle having center at 3 minus 4 iota is z lies on a circle having center at 3 minus 4 iota and radius 2 and radius 2 न फाइंड देन फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटाजेड माइनस वन इसका लोकस बताओ सिमिलर क्वेश्चन आपको आयोटा जेड माइनस वन का लोकस बताने देखते पहले तो z का लोकस गिवन है क्या गिवन है आपको कि z एक सर्कल पे जिसका सेंटर थ्री फोर मतलब minus 3, minus 4, आयोटा 3 4 आयोटा रेडियस 2 है मतलब ये गिवन है z 3 4 आयोटा 2 जेड एक सर्कल पे हैविंग सेंटर एट 3 4 आयोटा रेडियस 2 क्लियर अब इसका लोकस चाहिए तो इसको मैंने z1 बोल दिया z1 का लोकस चाहिए तो अगर यहां से जेड निकाल दूँ इस वाले से तो जेड आ जाएगा जेड वन प्लस वन ओवर आयोटा क्लियर तो यहां से z दोनों तरफ से थ्री माइनस फोर आयोटा अगर सब ट्रैक कर दूँ तो z माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा ये हो जाएगा z1 वन प्लस वन ओवर आयोटा माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा राइट दोनों तरफ से थ्री माइनस फोर आयोटा सब ट्राइप किया और अब इसका मॉड ले लूंगा दोनों तरफ तो ये मॉड तो हमें पता है कि टू है लेफ्ट वाला इधर सिंप्लीफाई करो तो आएगा जेड वन प्लस वन माइनस थ्री आयोटा प्लस फोर आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा राइट ये हो गया टू मॉड जेड वन प्लस वन माइनस थ्री आयोटा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और डिनोमिनेटर में जो आयोटा था आयोटा का मॉड तो वन हो जाएगा रेशियो का मॉड लेना हो तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग मॉड लिख सकते हैं यानी ये लिखा हुआ अगर कहीं पे मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू तो आप इसे मॉड जेड वन मॉड जेड टू लिख सकते और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा था

तो Z1 का लोकस भी एक सर्कल आ रहा है और इस सर्कल का सेंटर होगा थ्री कॉमा थ्री रेडियस टू तो देर फोर लोकस ऑफ जेड वन इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट थ्री कॉमा थ्री एंड रेडियस टू क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मॉड ऑफ z minus 4 minus mod of z plus 4 this is equal to 2 mod of mod z minus 4 minus mod z plus 4 is equal to 2 then find then find the maximum and minimum value of three times of real part of Z chi square minus five times imaginary part of Z chi square. थ्री टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इसके मैक्सिमम क्या हो सकता है हम्म ये हाइपर बोला है ये तो पता लग रहा है क्योंकि जेड का हम एक बार फोर से डिस्टेंस देख रहे हैं और एक बार माइनस फोर से डिस्टेंस देख रहे हैं और दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस टू है तो जेड एक हाइपर पे मूव करेगा जिसके दो फोकस होंगे एक फोर कामा जीरो पे और एक माइनस फोर कामा जीरो पे और हाइपर बोला का ट्रांसफर होगा क्योंकि जब भी कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता हो जिसके दो पॉइंट से का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो फिर जो पॉइंट है हाइपर बोला पे मूव करेगा जो दो फिक्स पॉइंट होंगे वो हाइपर बोला के फोकस होंगे तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो जेड है इसका एक बार हम फोर से डिस्टेंस ले रहे हैं और एक बार माइनस से डिस्टेंस ले रहे हैं और दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस टू है तो एक्चुअली Z एक हाइपरबोला पे इस हाइपरबोला का एक फोकस है फोर कॉमा जीरो पे दूसरा फोकस है माइनस फोर कॉमा जीरो पे और जो इसका लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस है वो टू है राइट बड़ा अपेक्षा है कि हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पे आएगा एक्सिस एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये जो हाइपरबोला होगा इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें एक्स और वाई के फॉर्म में तो ये ऐसा होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वाय और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू है तो ये वाला पॉइंट होगा ये इधर तो ए तो ऑब्वियसली हो गया क्योंकि लेंथ ऑफ एक्सिस हाइपरबोला में तो A ही 4 हो गया क्योंकि सेंटर ऑरिजिन पे फोकस फोर कॉमा जीरो बी मिल जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आएगा बी स्क्वायर E का स्क्वायर माइनस और अब इसलिए ये जो हाइपरबोला है इस हाइपरबोला को मैं ऐसे लिख सकता हूं वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर फिफ्टीन इज इक्वल अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या था क्वेश्चन बोलोगे जरा एक बार मैंने हटा दिया क्या था, क्या था? क्या था? क्या था? क्या था?

y को ले सकते हैं b tan थीटा b यहाँ पे root 15 है तो root 15 tan थीटा बोलो क्लियर है अगर high बोला हो x square over a square minus y square over b square is equal to one जिस पे पॉइंट हम चूज कर सकते हैं a sec थीटा b tan थीटा a 1 है b root 15 है रख दो यहाँ पे तो x की जगह पे sec theta 3 sec square theta 5 y की जगह पे root 15 tan थीटा तो 15 tan square theta तो ये हो गया थ्री सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेवेंटी फाइव टैन स्क्वायर थीटर बोलो क्लियर है और सिकंड स्क्वायर थीटा को अगर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दें तो यह आ जाएगा थ्री माइनस सेवेंटी टू टैन स्क्वायर थीटर ये हो जाएगा बोलो ज्यादा से ज्यादा थ्री बन सकता है और मिनिमम जो है ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है चूंकि टेन जो है यानी मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है मिनिमम वैल्यू जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक मैक्सिमम थ्री होगा चूंकि थ्री में से हम सेवेंटी टू टेन स्क्वायर थीटा सब ट्रैक कर रहे हैं और ये स्क्वायर है तो ये कम से कम जीरो बनेगा जीरो से कम तो हो नहीं सकता ये डेट मीन की इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा थ्री हो सकती है तो मैक्सिमम वैल्यू इज थ्री मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट जो कि मिनिमम जो जाएगा वो माइनस इनफिनिटी तक चला जाएगा बोलो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इफ मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री over z plus 2 iota is equal to 2. Mod of z minus 3 over z plus 2 iota is equal to 2. Then find the maximum and minimum values of mod z. Mod z maximum kya hoga, minimum kya hoga. देखते पहले ये जो गिवेन इक्वेशन है इसको देखो कि एक्चुअली जेड कैसे मूव कर रहा है अगर कुछ ना समझ कर, में आए वैसे देखकर जेड के फॉर्म में देखकर कभी भी किसी इक्वेशन को देखकर ये ना पता लगता हो कि जेड का लोकस क्या है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ना पता लगे तो उसे कार्टिजियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो यानी एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो तो देखो अगर हम z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई रख दें तो होगा मॉड x प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री टू टाइम्स डिनोमिनेटर वाला उधर ले जा रहे तो मॉड x प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा z को आपने रख दिया x प्लस आयोटा वाई डिनोमिनेटर वाला उधर लेकर चले गए तो ये मिलेगा आपको मॉड x माइनस थ्री प्लस आयोटा वाई और उधर टू टाइम्स मॉड एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस टू मॉडल लो किसी भी नंबर का जब मॉड लिखते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट तो इसका मॉड हो गया एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर टू टाइम्स ये मॉड हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरिंग स्कौर। कर दो एक्स स्क्वे माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्सर प्लस प्लस फोर वाई प्लस फोर अरेंज कर दें सबको एक तरफ ले जाकर तो ये थ्री एक्स स्क्वे प्लस थ्री वाई स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस सेवन डिवाइड कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन ओवर थ्री, से थ्री जीरो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल की क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी जीरो और ये जो सर्कल है

होगा नाइन प्लस सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर एंड नाइन हो गया सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री में से ट्वेंटी टू तो रूट फिफ्टी टू बाई थ्री है इसका रेडियस चेक करो बोलो ठीक है ये तो ये एक सर्कल पे एक्चुअली जो जेड का लोकस है जेड को ही हमने एक्स प्लस वाई बोला था तो एक्चुअली जेड का लोकस एक सर्कल है जिसका सेंटर आ रहा है माइनस वन कॉम माइनस एट बाई थ्री पे और रेडियस इसका आ रहा है अंडर रूट फिफ्टी टू बाई थ्री तो अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें ये जो सर्कल है इसका सेंटर है माइनस वन कॉमा माइनस एट बाई थ्री और रेडियस है इसका अंडर रूट फिफ्टी टू बाई थ्री ठीक अब हमें देखना है कि मॉट जेड मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा मॉट जेड का मतलब जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा ओरिजिन आप चेक करके देख सकते हो कि ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है मान लो यहां ओरिजिन

और सबसे दूर होगा जब बी पे होगा तो मिनिमम ऑफ पहले मैं अगर ओ सी निकाल लू ओरिजिन का सेंटर से डिस्टेंस तो ये आ रहा है डिस्टेंस ओरिजिन का सेंटर से तो ये आ रहा है रूट सेवेंटी थ्री बाई थ्री बोलो क्लियर तो मिनिमम मॉट जेड क्या हो गया मिनिमम मॉट जेड जो होगा ये ओ ए होगा और ओ ए कैसे निकलेगा ओसी माइनस ए सी ओ सी है रूट सेवेंटी थ्री बाई थ्री और AC रेडियस है. रेडियस हमने निकाला था रूट फिफ्टी टू बाई थ्री तो ये मिनिमम सेवेंटी थ्री माइनस रूट फिफ्टी टू बाई थ्री और मैक्सिमम मॉट जेड जो होगा ये ओ बी होगा और ये उसी तरह से आ जाएगा रूट सेवनटी थ्री प्लस रूट फिफ्टी टू बाई थ्री ये ओ सी प्लस Next question. If mod of z minus iota is mod of z multiplied by mod of sine pi by 4 plus argument of z mod of z minus iota Is mod z multiplied by जेड sin pi by साइन पाई argument z. प्लस find, then फाइंड देखो इधर इसको वैसे एनालाइज करो देखो इधर लेफ्ट साइड वाला तो साफ दिख रहा है कि मॉड जेड माइनस आयोटा का मतलब हो गया जेड का आयोटा से डिस्टेंस ठीक नो राइट साइड पे चलते हैं राइट right साइड पे क्या लिखा हुआ मॉड जेड मॉड साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा आर्गुमेंट जेड को अगर थीटा बोल तो अब ये हो गया मॉड जेड और इसको एक्सपेंड कर दो साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले पे तो ये साइन पाई बाई फोर कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई फोर साइन थीटा मॉड जेड को अगर आप आर लिख दो थोड़ी देर के लिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर आएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा बाई रूट टू और जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसको पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिखते हैं तो एक्चुअली आर थीटा एक्स होता है थीटा वाई होता है तो ये एक्स प्लस वाई बाई रूट टू हो गया बोलो क्लियर है तो आया क्या देखो, z तो लेफ्ट साइड पे z का आयोटा से डिस्टेंस है और राइट साइड पे z का डिस्टेंस है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो से x प्लस वाई ओवर रूट टू का मतलब क्या हो गया अगर हम x कॉम वाई का डिस्टेंस लें इस लाइन से कौन से लाइन एक्स प्लस टू जीरो से तो डिस्टेंस यही आएगा x यानी x x बोलो क्लियर है तो z z का जितना डिस्टेंस डिस्टेंस से 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 उतना ही डिस्टेंस इस लाइन लाइन कौन यानी फिक्स्ड पॉइंट आयोटा से और एक फिक्स्ड लाइन x प्लस वाईज टू जीरो से तो क्या होगा z का लोकस अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से तो लोकस क्या बनेगा उसका पैराबोला बोला बनेगा तो जेड इज इक्विडिस्टेंट जेड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आयोटा एंड फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई इजिकल यानी z का जितना डिस्टेंस आयोटा से उतना ही डिस्टेंस x प्लस वाई इजिकल टू जीरो से एंड देयर फॉर लोकस ऑफ z इज ए पैराबोला इस पैराबोला का जो फोकस होगा ये आयोटा पे होगा आयोटा मतलब जीरो कॉमा वन और इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x प्लस वाई क्लियर Next question If argument of Z is equal to pi over 4 and argument of Z minus 1 argument of Z is equal to pi by 4 and argument of Z minus 1 is equal to टू पाई ओवर थ्री देन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z z का आर्गुमेंट पाई बाई फोर है और z माइनस वन का आर्गुमेंट टू पाई बाई थ्री है तो z कौन सा नंबर है ये फाइंड करना आपको देखो जब पहली बात तो आप ये समझो कि अगर z है एक्स प्लस आयोटा वाई आर्गूमेंट ऑफ z को अगर आप थीटा बोलोगे तो टेन थीटा होगा वाई ओवर एक्स टेन थीटा की वैल्यू होती है वाई ओवर एक्स यानी सिंपली अगर थीटा आर्गूमेंट है तो टेन थीटा टेन ऑफ आर्गुमेंट जो होता है वो इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट होता है तो देखोगे z को अगर हम x प्लस आयोटा वाई रख दें तो आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई ये पाई बाई फोर है और आर्गूमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आयोटा वाई ये टू पाई बाई थ्री है राइट z को अगर x प्लस आयोटा वाई रख दिया जाए तो तो आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस एवटा वाई दिस इज पाई बाई फोर आर्गूमेंट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वाई टू पाई बाई थ्री तो यहां से हमें मिल जाएगा पहले वाले इक्वेशन से पाई बाई फोर हो गया वाई बाई एक्स इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट और दूसरे वाले इक्वेशन से पाई बाई थ्री हो गया वाई ओवर एक्स माइनस वन चुकी यहाँ पे इमेजनरी पार्ट वाई है और रियल पार्ट एक्स माइनस वन है Clear? Pi by 4 वन होगा तो इससे तो आ गया और तो यहां से माइनस रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन ये हो गया वाई वाई की वैल्यू अगर एक्स डाल दें इसमें तो माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री ये हो गया एक्स क्लियर तो इससे x मिलेगा आपको रूट थ्री ओवर रूट थ्री प्लस वन रेशनलाइज करके लिख दोगे अगर तो ये भी लिख सकते हैं। थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू ये एक्स हो गया और ये एक्स है तो वाई भी यही है चूंकि एक्स और वाई सेम है तो इसलिए हो गया जेड हो गया एक्स प्लस वाई एक्स इज एक्स और वाई दोनों सेम है तो इसको X Iota, X भी लिख सकते हैं कॉमन एक्चुअल में आंसर ये हो गया थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू वन प्लस आयोटा क्लियर थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू वन प्लस आयोटा लेकिन इसमें कुछ चीजों का भी ध्यान रखना कई बार क्या होगा कि और वाई तो निकल जाएगा बट स्टिल नो सोलूशन होगा अगर आप इस में से जा रहे तो एक कंडीशन यह लगना चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि x एंड y दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए बोलो क्लियर है क्यों क्योंकि आर्गुमेंट पाई बाई फोर है दैट तो मीनस तो कि दोनों

और x पॉजिटिव होना चाहिए बट x माइनस वन नेगेटिव होना चाहिए यानी x x से से देखो आएगा वन से कम और यहां से हम कि है। तो हम देख ही और वन के बीच का नंबर होना चाहिए और ये देखो आया जो ये जो आया है ये जीरो और वन के बीच का नंबर है ये ठीक है और वाई तो पॉजिटिव होना ही चाहिए तो यहां तो खैर एक्स और वाई दोनों सेम ही है समझ मारी बात अगर मान लो ऐसा नहीं होता अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम बोल देते नो no सॉल्यूशन। इसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो ज्योमेट्रिकली कैसे करते समझिए सॉल्व करने का फायदा यह होता है कि अगर नो no सॉल्यूशन होगा तो वैसे ही दिखेगा क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू डायक्शन किधर कि तो कि direction देखेंगे ओरिजिन कि से जेड की तरफ तो अगर हम ऑरिजिन से जेड की तरफ जाए तो जो वेक्टर बनेगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पाई बाई फोर होना चाहिए तो दीन्स की हमें ओरिजिन से जेड की तरफ इस तरह से चलना होगा कि हम 45 डिग्री एंगल पे हो एक्स एक्सिस के साथ यानी ऐसे जा रहे होंगे बोलो क्लियर है ये एंगल है 45 डिग्री। तो जेड इस ब्लू वाले वेक्टर पे होगा कहीं कहीं पे भी हो सकता है आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है क्लियर अब आते हैं दूसरा वाला कंडीशन क्या था दूसरा वाला कंडीशन था कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन ये टू पाई बाई थ्री है तो ये बात ध्यान से सुनो अगर आर्गुमेंट ऑफ z गिवन हो जैसे थीटा तो आपको ओरिजिन से z की तरफ जाना है कहां से जाना है ओरिजिन से z की तरफ थीटा एंगल पे क्लियर अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन थीटा गिवन हो तो फिर आपको z1 से z की तरफ जाना है यानी जो वेक्टर बनाना है वो z1 से वेक्टर शुरू करना है और z की तरफ जाना है थीटा एंगल पे ये याद रखोगे ठीक है तो जैसे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अगर टू पाई बाई थ्री है तो हम वन से z की तरफ जाएंगे वन का मतलब क्या हो गया पॉइंट वन कॉमा जीरो पॉइंट आपका सपोज वन कॉमा तो अब हम वन से z की तरफ जाएंगे इस तरह से कि x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल रहे यानी ऐसे जा रहे होंगे इधर कहीं बोलो क्लियर है यह एंगल क्या होना चाहिए टू पाई बाई थ्री समझ में आई बात फिर से समझा दे रहा हूं अगर कहीं पे लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ जेड से लिखा हुआ थीटा तो आपको ओरिजिन से जेड की तरफ जाने पे जो एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा बनना चाहिए यानी ओरिजिन से जेड को ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे होगा ये बात समझ में आ गई बोल दो अगर यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड ना लिखा हो जेड माइनस तो फिर जो वेक्टर बनाना है वो आपको जेड वेक्टर। वेक्टर तो को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे होना चाहिए क्लियर जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन था तो हम वेक्टर का इनिशियल पॉइंट वन से शुरू करेंगे वन से मतलब वन कॉमन जीरो से शुरू करेंगे और जेड की तरफ जाएंगे तो टू पाई बाई थ्री एंगल पे तो जो जेड होना चाहिए वो इस ब्लू वाले वेक्टर पे भी इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पे होगा तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है यानी जो आपका पॉइंट है वो ये पी पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है बोलो क्लियर है क्योंकि ये पी पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा पी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनेगा पी पॉइंट को अगर हम वन कॉमन जीरो से ज्वाइन करेंगे तो एंगल टू पाई बाई थ्री बनेगा क्लियर अब इसको ज्योमेट्री से कैसे निकालते तो फिर हम कोऑर्डिनेट का यूज कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं जो ब्लू वाला लाइन है ये देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका स्लोप वन होगा टेन फोर्टी फाइव डिग्री कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा तो इसका इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स बोलो क्लियर वाई इज इक्वल टू एम एक्स न जो दूसरा लाइन है इसका स्लोप क्या होगा टेन टू पाई बाई थ्री टेन टू पाई बाई थ्री का मतलब माइनस रूट थ्री इसका स्लोप है और ये लाइन कहां से ड्रॉ कर रहे हैं 1.0 से तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y-0 इस वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y-0 स्लोप है इसका minus root 3 x-1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m times x minus x1 क्लियर और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो P पॉइंट मिल जाएगा वही आंसर आ जाएगा आपको क्लियर है तो आप ज्योमेट्री की मदद से भी कर सकते थे सिंपल दोनों लाइन की क्वेश्चन लिखनी और सॉल्व कर देनी ज्योमेट्री से सॉल्व करने का फायदा यह है कि अगर नो सॉल्यूशन होगा तो आपको वैसे ही दिखेगा कि नो सॉल्यूशन है जैसे लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू इज इक्वल टू पाई बाई थ्री ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रहा हूं अगर आपने इसको ज्योमेट्रिकली नहीं किया हां सुन लो अगर आपने इसको ज्योमेट्रिकली नहीं किया अगर इस वाले मेथड से गए तो गलती होने के चांसेस है आप आंसर निकाल दोगे जबकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है देखो अगर आप ग्राफ से जाओगे यानी इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे अगर तो क्या बोला जा रहा है पहला कंडीशन क्या बोल रहा आपको? कि z, है आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री पाई बाई फोर है थ्री पाई बाई फोर मतलब वन थर्टी फाइव डिग्री तो अगर हम ओरिजिन से जेड की तरफ जाए तो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनना चाहिए मतलब ओरिजिन और जेड को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो 135 डिग्री एंगल पे होगा तो ऐसे जा रहे होंगे इधर कहीं बोलो क्लियर है ये एंगल कितना हो गया थ्री पाई बाई 4। ये तो पहले वाले कंडीशन से आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री पाई बाई फोर ना दूसरे वाले कंडीशन से टू पाई बाई थ्री है मतलब अगर हम टू से जेड की तरफ जाएं ये पॉइंट हो गया सपोज टू कॉमा जीरो अगर हम टू से जेड की तरफ जाएं तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सिक्सटी डिग्री बनना चाहिए पाई बाई थ्री तो इधर जाएंगे कहीं ऐसे ये एंगल कितना है पाई बाई थ्री ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर मिल ही नहीं रहे चूंकि एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है कि ऐसा कोई जेड नहीं है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम सिंपली कहेंगे देयर इज नो सोल्यूशन मीन्स ऐसा कोई जेड नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन Find the complex number Z. Find the area of the region. Find the area of the region satisfying mod of Z minus one less than or equal to four and argument of Z minus one. लाइंग बिटवीन पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई थ्री फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग दीज टू यानी उस रीजन का एरिया निकालना है जिस रीजन में यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे ठीक है तो जिस रीजन के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं उस रीजन का एरिया क्या होगा ठीक चेक करता हूं मैं जो पहला वाला कंडीशन तो आपको सिंपली ये कर रहा है कि जेड का वन से डिस्टेंस जो है फोर या फोर से कम है मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका सेंटर वन पे वन का मतलब वन का जीरो पे है और रेडियस फोर है Z तो या तो इस सर्कल पे होगा या इस सर्कल के अंदर होगा तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस सर्कल का सेंटर वन पे है और रेडियस फोर है तो ये हमारा एक सर्कल है इस सर्कल का जो सेंटर आ रहा है ये वन कॉमा है जीरो पे है। रेडियस फोर है जेड इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकता Boundary पे होगा होगा। या सर्कल के अंदर क्लियर? का आर्गुमेंट पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री के बीच में होना चाहिए यानी अगर हम वन से जेड की तरफ जाए तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री के बीच में होगा तो यहां से हमने दो लाइन ड्रॉ कर दिया जेड से यानी वन से वन से एक लाइन ड्रॉ कर दिया थर्टी डिग्री एंगल पे यानी पाई बाई सिक्स एंगल पे ऐसे और एक ड्रॉ कर दिया पाई बाई थ्री एंगल पे ऐसे क्लियर ये पाई बाई एंगल पे है और फिर जो दूसरा वाला है पूरा एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई थ्री एंगल पे तो बीच वाला एंगल भी पाई बाई सिक्स हो गया ये बोलो क्लियर है तो Z का जो आर्ट आर्गुमेंट जो है जेड माइनस वन का वो पाई बाई थ्री के बीच में है मतलब इस इस वाले इस वाले रीजन रीजन में में मूव करेगा बोलो क्लियर है क्योंकि इस बीच में अगर रहेगा तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो पाई बाई सिक्स से बड़ा होगा और पाई बाई थ्री से छोटा होगा क्लियर तो देखो ये जो रीजन है जो मैंने मार्क किया है इस रीजन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं चुकी ये जो रीजन है ये सर्कल के अंदर का रीजन है एक तो हो गया ये और इस रीजन में अगर हम z को चूज करेंगे तो z माइनस वन का जो आर्गुमेंट होगा वो पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स के बीच में होगा क्लियर और ये ये रीजन ये एरिया कैसे निकालोगे तो ये सिंपली एक सेक्टर हो गया सर्कल का और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाता है बोलो क्या होता है क्या होता है हाँ मतलब अगर सीधा लिखना चाहो तो ये हो जाता है हाफ आर अगर रेडियन में लिखना चाहो हाफ आर स्कवायर थीटा अगर थीटा को रेडियन में ही लिख रहे तो तो क्या हो जाएगा ये हाफ आर रेडियस कितना है 4, और थीटा कितने है पाई बाई सिक्स थीटा ये वाला एंगल जो बीच वाला एंगल है ये वाला क्लियर तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन पाई बाई ट यानी फोर पाई बाई थ्री क्लियर यही आया था आपका भी चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस वन टू करते माइनस टू प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस टू आयट mod of z minus 2 plus mod of z plus 2 iota is equal to 8 then find then find Number one Area enclosed by the locus of Z. Number two Minimum value of Minimum value of मॉड ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम कर दो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड एक मिनट रुक माइनस वन प्लस आयोटा ये मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा जिमेट्री सोचो क्या लिखा हुआ है? ये? ये लिखा हुआ पहला वाला डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड टू जेड का टू से डिस्टेंस और यह लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड माइनस टू आटा यानी जेड का टू कॉमा जीरो से डिस्टेंस एंड जेड का जीरो कॉमा माइनस टू से डिस्टेंस दोनों का सम एट है तो z इस तरह से मूव कर रहा है किसके दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम एट है तो या मूव कर रहा है और ये जो दो पॉइंट हैं टू कॉमा जीरो माइनस टू ये इस एलिप्स के फोकस हैं और जो एट है राइट साइड पे वो एलिप्स का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है क्योंकि एलिप्स का एक डिफिनेशन ये भी था कि एलिप्स का हर एक पॉइंट एलिप्स का जो पॉइंट होता है कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे है तो दोनों फोकल डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा हो कि इसकी दो फिक्स का सम कांस्टेंट हो तो वो जो दो फिक्स के शर्त सिर्फ यह है कि जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे है एक्चुअली देखो ये एक एलिप्स है पहले मैं एलिप्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ये हमारा एलिप्स है ये इसका सपोज मेजर एक्सिस है ये इसका सेंटर है से c ये इसके दो फोकस है s s' एक फोकस आया इसका 2, 0 पे और एक फोकस आया 0, -2 पे ठीक और a' जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो a' है जो ऑब्वियसली ss' से ज्यादा है ss' जो आ रहा है वो इतना आ जाएगा अंडर रूट टू रूट टू आएगा बोलो क्लियर है तो जो इस एलिप्स का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया यानी टू ए एलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को टू ए बोलते हैं टू ए हो गया एट तो ए हो गया फोर और दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है एस एस आ रहा है टू रूट टू दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है ए e, टू, टू तो ई e आ गया इसका वन बाई रूट टू. बोलो क्लियर है सॉरी दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस टू ए नॉट ए गलत लिख दिया तो टू ए फोर है तो ई हो जाएगा टू रूट टू बाई फोर वो सीख लिखा है वन बाई रूट टू. नहीं नहीं एस नहीं, हाँ, एस डैश टू ए तो सही है ठीक है बोलो ठीक है नहीं अरे नहीं गलत लिख नहीं नहीं गलत लिख रहा हूं मैं एक्चुअली ए फोर है तो टू ए एट होगा टू ए एट होगा हो, मैंने गलत लिखा होगा वन बाई टू रूट टू आएगा ई नो अब बी निकाल सकते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर वन माइनस ई e स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटीन वन माइनस ई e स्क्वायर की वैल्यू वन बाई एट तो ये आ जाएगा फोर्टीन बी स्क्वायर की वैल्यू क्लियर तो एक तो पूछा गया था कि इस लोकस का एरिया क्या है मतलब सिंपली आपको इस एलिप्स का एरिया पूछा गया था आपसे और एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी पाई ए, ए हमारा है फोर और बी होगा रूट फोर्टीन इसलिए ये एरिया हो गया फोर रूट फोर्टीन पाई क्लियर दूसरा पूछा गया था कि मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा ये कम से कम क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये पूछा गया था बोलो नहीं नहीं मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा लिखा था चेक करो मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा ये कम से कम क्या होगा और ज्यादा तो देखो एक्चुअली वन कॉम माइनस वन जो आ रहा है वो इसका सेंटर आ रहा है वन कॉम माइनस वन क्या है सेंटर है ठीक है तो और z क्या है इस एलिप्स का कोई पॉइंट है इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट हो गया p तो ये जो मॉड ऑफ z माइनस वन प्लस आयोटा इसको मॉड ऑफ z माइनस वन माइनस आयोटा लिख सकते लिख सकते दैट मीन्स आपको ये pc डिस्टेंस बताना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा और कम से कम क्या होगा क्लियर तो ऑब्वियसली pc डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा a के इक्वल होगा और कम से कम b के इक्वल होगा जो कि कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे है तो इसका सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो ए होगा और मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो बी होगा क्लियर है तो मैक्सिमम हो गया ए के इक्वल यानी फोर के इक्वल और मिनिमम हो गया बी के इक्वल यानी रूट फोर्टीन के इक्वल तो मैक्सिमम ये फोर है और मिनिमम रूट फोर्टीन है समझ में आ गई बात ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ